तो हेलो गाइस, आज मैं इस भाई का यहाँ पे ये जो सैंपल आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बबल नेम वाला है। तो इस वीडियो में मैं ये वाला जो सैंपल है भाई का दिया हुआ है, मैं एक्सेप्ट करवा के दिखाने वाला हूँ आपको लाइव प्रूफ। तो बने रहो वीडियो को, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना गाइस। अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे फिर आपके समझ नहीं आएगा और आप बोलोगे कि भाई आपसे हो जाता है और मेरे से नहीं होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद गाइस यहाँ पर आपको यूज़ करना है डॉल मल्टी ब्राउज़र। मैं तो यहाँ पे वीडियो के लिए ट्रिक ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, तो आपको जो मर्जी आपको बेस्ट लगे आप वो कर लेना, मैं तो यहाँ पे दोनों ही कर लेता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रिक ब्राउज़र ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे मैं अपनी आईडी को कर लेता हूँ लॉगिन। आईडी लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी जो आईडी है वो यहाँ पे अपडेट नेम से वापस आ चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है डोंट अपडेट। तो सिंपली अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर वाले बॉक्स से लिंक को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद नीचे वाली वेब में पेस्ट करके सर्च कर देना है। तो जैसे ही आप इतना काम करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस दोनों में सेम इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे फर्स्ट वेब में जहाँ पे चूज फाइल लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट डाल देना है जो अपने आईडी को अपडेट नेम पे भेजते टाइम जो स्क्रीनशॉट लिया था। तो गाइस यहाँ पे मैं अपना स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल देता हूँ जो मैंने आईडी को अपडेट नेम पे भेजते टाइम लिया था। उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरे वाले बॉक्स में भी वही स्क्रीनशॉट डाल देना है, ऊपर और नीचे दोनों बैप में स्क्रीनशॉट डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट बैप में यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको वो जो सैंपल है जो मैंने अभी आपको दिखाया था तो मैंने उसमें से क्यून को जो है अलग कर लिया है, क्यून वाले सैंपल को, और जो इमोजी बबल नेम वाला सैंपल है उसको मैंने अलग कर लिया है। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कीबोर्ड में सेव करके लगाया हुआ है तो गाइस इसी तरीके से मैं आपको बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे वो लगाना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा। तो गाइस जिस हिसाब से मैंने लगाया ऊपर इमोजी वाला और नीचे क्यून वाला खाली सैंपल जो लगाया इसी तरीके से आपको लगा लेना है। तो मैं सैंपल दे दूंगा, आप उसकी जगह कोई भी नाम लगा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना करने के बाद गाइस हमारा जो पहला फॉर्म है वो यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें दूसरे वाले फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम में वो निकनेम डाल देना है जो अपने आईडी को अपडेट नेम पे भेजते टाइम जो निकनेम डाला था। तो गाइस मैंने यहाँ पे बिहान राजपूत डाला था तो मैंने यहाँ पे वो निकनेम डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट बॉक्स में कोई भी दो कैपिटल वर्ड लगा देने, तो मैंने यहाँ पे XED लगा दिया है, आप अपने हिसाब से जो मर्जी आप लगा सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे करना होता है सबमिट। सबमिट कैसे करना है, जो सैंपल वाला बॉक्स है उसको फर्स्ट टैप में करना है, जो निकनेम वाला है उसको सेकेंड टैप में। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपने सैंपल को कर दिया है सबमिट। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो सैंपल है वो यहाँ पे फेसबुक टीम को सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। और उसके बाद आपको यहाँ पे कर देनी है अपने आईडी को लॉकआउट। तो गाइस यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अपने आईडी को लॉकआउट। आईडी लॉकआउट करने के बाद यहाँ पे आपको कर लेना है कुछ देर का वेट। तो जैसे ही मेरे सैंपल एक्सेप्ट होते हैं मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा। अगर आपसे एक अपील में नहीं होता तो आप यहाँ पे दो अपील भी कर सकते हो, तीन अपील भी कर सकते हो, कोई कभी कभी हो जाता है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो सैंपल है वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है क्यून वाला। तो गाइस यहाँ पे आप मैं अपना सैंपल को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से अपनी आईडी का पासवर्ड दे देता हूँ। आईडी का पासवर्ड देने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे सीधा लेके चलता हूँ अपनी आईडी को। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और मेरा जो सैंपल है वो यहाँ पे सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है। नीचे इमोजी की जगह सैंपल की जगह आप मेरा बबल नेम देख सकते हो और ऊपर मेरा क्यून वाला सैंपल है। तो सिंपली आपको अपडेट नेम कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है गो टू न्यू स्वीट पे क्लिक। तो जैसे ही आप यहाँ पे इतना काम करोगे उसके बाद हमारी जो आईडी है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाएगी। तो गाइस उसके बाद मैं अब यहाँ पे आपको अपनी आईडी की प्रोफाइल दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने आईडी की आपको प्रोफाइल दिखा देता हूँ। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो सैंपल है वो यहाँ पे सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको अपने आईडी पे ये बबल नेम वाला जो सैंपल है वो लेके आना है। तो उसके लिए आपको सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद पर्सनल अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, उसके बाद आपको यहाँ पे नाम वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इतना काम करोगे आपको यहाँ पे नाम चेंज ऑर्डर कर देना है। तो गाइस जैसे ही आप यहाँ पे ये करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे वाला सिलेक्ट कर लेना और अपनी आईडी का पासवर्ड दे देना है। तो गाइस यहाँ पे मैं अपनी आईडी का पासवर्ड दे देता हूँ और पासवर्ड देने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है सेव चेंज पे क्लिक। जैसे ही आप इतना काम करोगे और हमारी आईडी पे आप सैंपल देख सकते हो वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है गाइस। तो अब मैं आपको अपनी आईडी के यहाँ पे प्रोफाइल दिखा दे, यहाँ पे आप मेरी आईडी की प्रोफाइल देख सकते हो गाइस। तो मेरा जो सैंपल है वो यहाँ पे सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है। और गाइस बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को दबा के प्रेस कर दो ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना
कैसी लगी आज की ट्रिक?